सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि नीट जो है साल में दो बार होने वाला है और वो कंफर्म हो गया है। गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया है, प्रेस रिलीज़ करके एचआरडी मिनिस्टर ने ये साफ साफ बोल दिया है। आप जाकर इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, उनकी कटिंग्स जो हैं वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और देखिए, जो एग्ज़ाम है वो फरवरी के अंदर होगा और दूसरा एग्ज़ाम होगा वो मई के अंदर होगा। गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो उन्होंने एक्शन लिया है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बोर्ड्स के अंदर पढ़ते हैं उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन होता है एग्ज़ाम का, तो उनको फिर दो अटैम्प्ट दिए जाएंगे। और देखिए, स्पेशली जो गुड न्यूज़ क्या है इसके अंदर, देखिए कि सभी स्टूडेंट्स को जो है वो दो अटैम्प्ट आज आप दे सकते हैं और दोनों ही अटैम्प्ट देंगे। और फिर उसके बाद में ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट जो है वो अपना बेस्ट स्कोर चूज़ कर सकता है। कि फिर मान लीजिए कि आपको फर्स्ट आपने एग्ज़ाम दिया फरवरी में, आपके 560 आए और सेकेंड एग्ज़ाम आपने दिया 520 ही आए, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ 560 वाला रखना है, 520 वाला नहीं रखना है। तो ये बहुत ही गुड है और देखिए उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो कि ड्रॉपर्स हैं, जिनके मतलब सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन के चक्कर में उनका पेपर ख़राब होने की जगह पूरी जो प्रिपरेशन है वो ख़राब हो जाती है, और जो स्टूडेंट जो कि 12th के अंदर है उनका भी बर्डन कम हो जाएगा। और देखिए, जो एग्ज़ाम की डेट है, जो एग्जामिनेशन डेट है और जो फॉर्म की डेट है वो सब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। और जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल डेज के अंदर होगा, मतलब जो 4 से 5 दिनों के अंदर कंडक्ट किया जाएगा और फिर ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपेयर भी होंगे, तो ये भी गुड गुड है कि आपको मतलब चांस दिया जाएगा और सिक्योरिटी रीजंस भी थोड़े से फेयर किए जाएंगे, तो हो सकता है कि सब कुछ अच्छा हो। और देखिए, आज ही मैंने वो ब्लॉग रिलीज़ किया था नीट का, जो पेपर है वो क्या हार्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आप उसके ऊपर भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि अब जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। डिफिकल्ट मीन ये है कि जेई मेंस का जैसा पेपर आता है वैसा ही पेपर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके मैक्सिमम जो होंगे वो मॉडरेट होने की कोशिश करेंगे, ताकि थोड़ा सा लेवल भी अच्छा हो और स्टूडेंट जैसे मतलब जो कट ऑफ्स हैं वो बहुत हाई नहीं जाए। लेकिन इसका जो मुझे रीज़न है ये लगता है कि देखिए जितना भी जो नीट जो फरवरी में और जो मई में होगा, इससे होगा ये कि कट ऑफ जो है वो ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो दो बार एग्ज़ाम देंगे और फिर अगर एक बार ख़राब हो गया तो दूसरी बार अगर उनका अच्छा हो जाता है तो वो अपना बेस्ट स्कोर चूज़ कर सकते हैं, और फिर उसके चक्कर में फिर कट ऑफ में भी हाई हो सकता है, लेकिन इतना नहीं जाएगा। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो सिलेबस वगैरह है और जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो बिल्कुल सेम रहेगा, जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहेगा, कि जो बुक्स हैं आपकी एनसीईआरटी हैं वो एनसीईआरटी पूरी रहेगी। बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस किया गया, जो भी आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी है अभी तक की जो भी लास्ट ईयर 2018 में एग्ज़ाम हुआ है वही जो सिलेबस है वही चैप्टर सारे आएंगे, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जो भी होगा वो बाद में होने लगा, और जितने भी रूल्स हैं जो मतलब जो अटैम्प्ट वाले रूल्स हैं, अटैम्प्ट आपके फुल हैं 25 एज तक है जनरल के लिए और 30 के लिए हैं ओबीसी एसटी और एससी के लिए, तो डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जो चेंजेस हैं वो जितना सिर्फ एग्ज़ाम का कंडक्ट जो कमिटी है वो चेंज हुई है, बाकी सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ सेम है। नाउ मैं उस स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहता हूँ, देखिए जो जिनके मतलब देखिए इस साल बहुत बॉर्डर लाइन पर हैं, उनको मान लीजिए कॉलेज मिले या ना मिले, अगर उनका ऐसा लग रहा है तो आप अभी काउंसलिंग करा दीजिए, लेकिन साथ साथ में प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, सिर्फ 6 मंथ का रह गया है। तो बाकी सारे न्यूज़ के लिए आप स्टडी वीडियो को देखते रहिए, मैं जितने भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं आपको समझाता रहूँगा, आप कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आएंगी उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो अगर तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको डायरेक्टली इसके ऊपर मिल जाएगी।